जुर्म की दुनिया में सबूतों को मिटा देना जुर्म को और हवा दे देता है। ऐसे ही कई केसेज हैं जिसमें बड़े बड़े नेता और अभिनेता अपने आप को साफ सुथरा साबित करने में कामयाब हो जाते हैं। अब देख लो विकास दुबे के एनकाउंटर की ही बात, तो जो व्यक्ति साथियों के एनकाउंटर से बौखला कर अपने आप को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाकर जोर जोर से चिल्लाता है कि मैं ही विकास दुबे हूँ, और उसी वक्त पुलिस और मीडिया वहां जमा हो जाती है जिससे पुलिस उसका एनकाउंटर न कर सके। विकास दुबे खुशी खुशी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि उसका एनकाउंटर न हो। फिर सुबह विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ले जाया जाता है जिसमें 20 गाड़ियों के काफिले में से विकास दुबे की गाड़ी का ही पलट जाना। फिर विकास दुबे घायल पुलिस वालों के हाथ से पिस्तौल को लेकर भाग जाता है, फिर पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है बाकी साथियों की तरह ही। अब बात करें एनकाउंटर की, तो विकास दुबे खुद अपने आप को एनकाउंटर के डर से सरेंडर करवाता है, वो भला गाड़ी से भागेगा क्यों। और बताया जा रहा है कि विकास दुबे भागकर काफिले से काफ़ी दूर चला गया था और फायरिंग कर रहा था। तो आपको बता दें कि पैर में जिस व्यक्ति के रॉड डली हुई हो वो आखिरकार इतना दूर भागेगा कैसे, और अगर उसको अपना एनकाउंटर ही करवाना था तो खुद को पुलिस के हवाले करेगा क्यों। ये सब बताते हैं कि जरूर यह एक साजिश है जो उन सफेदपोश नेताओं का पर्दाफाश कर सकता था। अब विकास दुबे तो दुनिया से जा चुका है, लेकिन बहुत जल्द एक नया विकास दुबे तैयार किया जाएगा जो सच्चाई को कुचल कर चला जाएगा। जब तक देश में भ्रष्टाचार रहेगा अनेकों गुंडे पैदा किए जाएंगे, विकास दुबे की तरह ही उन सबूतों को मिटा दिए जाएंगे। आज के समय में ईमानदार पुलिस वाला कोई नहीं बन सकता, क्योंकि अगर पुलिस वाला ईमानदारी से नौकरी करनी शुरू कर दे तो नेताओं के हाथ कुछ नहीं लगेगा, और अगर पुलिस ने ईमानदारी दिखाई तो वो नेता विकास दुबे जैसे गुंडे को भिजवा कर पुलिस को मरवा देते हैं। ये काला सच है राजनीति का। बाकी इंडिया को भ्रष्टाचार मुक्त होने में कई साल लग जाएंगे। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि काफ़ी लोगों तक हमारी ये बात पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।